वेलकम टू अ न्यूज। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस एजुकेशनल चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। स्पेशली अकाउंटेंसी के स्टूडेंट्स के लिए ये सेकेंड वीडियो है, जो ये हमारा सुपर गेस्ट सीरीज़ का सेकेंड वीडियो है। अकाउंटिंग के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चंस, सुपर गेस्ट क्वेश्चंस, और उसका सॉल्यूशन हम लोग दे रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बेसिक इंट्रोडक्शन और रिसिप्ट एंड पेमेंट के बारे में। जो आज का वीडियो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट प्रोबेबली बहुत चांस है कि आपके एग्जामिनेशन में आएगा। दोस्तों मैं फिर से बता दूं आपको कि ये जो वीडियो बनाया जा रहा है ना, वो काफी इंपॉर्टेंट इस वजह से है, बहुत इजी भाषा में, बहुत आसान से भाषा में आपको समझाने की कोशिश की गई है। समझाने ही नहीं अभी तो इसको आपको याद करवाने की कोशिश की गई है। अगर आप दो या तीन बार इस वीडियो को सुन लोगे तो आपका टोटल का टोटल टॉपिक याद हो जाएगा। और बिलीव करिए, भरोसा करिए, मेरा एग्जामिनेशन में इस पैटर्न पे क्वेश्चन आने जा रहा है। क्वेश्चंस की सेटिंग, उसकी फ्रेमिंग कुछ इस प्रकार से की गई है ताकि आपको सब्जेक्टिव में भी हेल्पफुल हो, ऑब्जेक्टिव में भी हेल्पफुल हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं उसमें भी हेल्पफुल हो। इट मीन्स 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स एंड 5 मार्क्स, ये चारों प्रकार के पैटर्न के क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में आते हैं उन सब में ये हेल्पफुल होगा। अगर आप हमारे ये सुपर गेस सीरीज के सारे क्वेश्चंस को, सारे वीडियोस को देख लेते हैं, बिलीव करिए आपका 80% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे एग्जामिनेशन में। आप स्ट्रेसलेस रहेंगे, आप खुश रहेंगे, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा अगर आप इस वीडियो को देखते हैं। इस वीडियो को देखिए नहीं बल्कि इसको सब्सक्राइब भी करिए, अपने फ्रेंड्स के भी शेयर भी करिए, ताकि कोई भी स्टूडेंट अकाउंटिंग में फेल ना करे, कोई भी स्टूडेंट्स को अकाउंटिंग में कम मार्क्स ना आए। जिन सारे स्टूडेंट्स की तैयारी बहुत अच्छी है उनका रिवीजन हो जाएगा, और जो स्टूडेंट पूरे साल ठीक से नहीं पढ़ पाए हैं उनका भी पेपर क्लियर हो जाएगा, ऐसा दावा है मेरा। आप लगातार इस वीडियो में बने रहें, पूरे वीडियो को देखें। आइए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। जो अगला टॉपिक हमारा है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है। क्या है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। देखिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है, छोटे छोटे टर्म में आसान से भाषा में बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको। पहला, प्रिपेयर्ड बाय NPO, ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन बनाता है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में भी मैंने इसको क्लियर कर दिया, एक गैर व्यापारिक संगठन बनाता है। क्या? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। दूसरा, नॉमिनल अकाउंट, यह एक नाम मात्र खाता है, इट मीन्स नॉमिनल अकाउंट है। तीसरा, PL अकाउंट के जैसा, ये अकाउंट किसके जैसा है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसा है। चौथा, ओनली रेवेन्यू आइटम्स, इसमें सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू नेचर के आइटम्स को लिखते हैं। आइए रेवेन्यू नेचर के आइटम्स का मतलब क्या होता है, रेंट, सैलरीज, ऑनरेडियम, इंटरेस्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, सब्सक्रिप्शन, एंट्रेंस फी, डोनेशन, ये सारे के सारे जो है रेवेन्यू नेचर के आइटम्स हैं। रेवेन्यू नेचर के आइटम्स को ही रिकॉर्ड करते हैं किसमें? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। मतलब ये कि रेवेन्यू नेचर के इन आइटम्स को इनकम के, इनकम एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर को इनकम एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में, और रेवेन्यू नेचर के इनकम्स को इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में लिखते हैं। फिर बोला क्या? बोला इस अकाउंट का जो रिजल्ट होता है बाबू, ये होता है कि सरप्लस या डेफिसिट। इट मींस ये जो अकाउंट है आपको इस अकाउंट का जो रिजल्ट होगा या तो सरप्लस होगा या डेफिसिट होगा। सरप्लस कब आएगा? जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का इनकम साइड क्या होगा? ज्यादा। जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का इनकम साइड क्या होगा? ज्यादा। और एक्सपेंडिचर साइड क्या होगा? कम, तो सरप्लस आएगा। वही दूसरी ओर अगर एक्सपेंडिचर साइड ज्यादा होगा और इनकम साइड कम होगा तो क्या आएगा? डेफिसिट आएगा। क्लियर है? तो ये कहानी है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं वो सब मैंने लिख दिया। मैं आपको और भी कुछ एक्सप्लेन कर दूं कि क्वेश्चंस कैसे आ सकता है। क्वेश्चन आ सकता है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है जो जिसमें आपको हेल्पफुल होगा, यह कैसे बनाया जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाया जाता है। ये दो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या आ सकता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किस प्रकार का अकाउंट है, तो आप क्या बोलेंगे? नॉमिनल अकाउंट है। बोला यह अकाउंट किसके जैसा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसा है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में किस नेचर के आइटम्स को लिखते हैं, तो रेवेन्यू नेचर के आइटम्स को लिखते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का रिजल्ट क्या होता है, तो सरप्लस या डेफिसिट होता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किस प्रकार के संगठन के द्वारा बनाया जाता है, तो एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया जाता है, या
क्वेश्चन को रिवर्स करके देगा। इस प्रकार से मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि एक गैर व्यापारिक संगठन अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या बनाता है, एक गैर व्यापारिक संगठन अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो है क्या बनाता है, तो उसका भी आंसर आएगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो रिसिप्ट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाता है। तो उसका भी एक टर्म आपको यहाँ टच कर रहा है। ये पूरा वीडियो आपको एकदम बहुत टेक्निकल दृष्टिकोण से काफी फिट है, आपके लिए काफी यूजफुल है, आपके लिए काफी फायदेमंद है। इसको अवॉइड ना करें, इसको लगातार देखते रहें। पूरे बिहार बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनमें से हम लोग की आकांक्षा है, हम लोग की शुभकामना है कि कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना हो जिनका मार्क्स कम आए, जो फेल कर जाए, ऐसी आकांक्षा बिल्कुल नहीं है। हम लोगों की पूरे चैनल की पूरी टीम की ये शुभकामना है कि आप सब लोग अच्छे मार्क्स के साथ पास करें और देखते रहे हमारे वीडियो को। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो एग्जामिनेशन में आने वाले होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और लगातार वीडियो को देखिए और एग्जामिनेशन की तैयारी करते रहिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।